इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कंसेप्ट के साथ में। ये सब प्रॉब्लम आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि साइन इन्वर्स साइन पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर इसका आंसर पाई बाई 6 होगा। और ये क्या है, 100% सही है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि साइन इन्वर्स साइन एक्स का वैल्यू क्या होता है, एक्स होता है। इस तरह से साइन इन्वर्स साइन 3 पाई बाई 4 का आंसर क्या होगा, 3 पाई बाई 4 होगा, जो क्या है यहाँ गलत कहा जाएगा, क्योंकि आप इस हिसाब से काम कर रहे हैं कि यहाँ पे ये है तो बाहर निकल गया, यहाँ पर ये है तो बाहर निकल गया, तो ऐसे ही ये भी बाहर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत है? क्योंकि ये फार्मूला में कुछ और कंडीशन रहता है। एक्स तो निकलता है बाहर, लेकिन कंडीशन है कि यह जो एक्स होता है साइन के लिए -π/2 से +π/2 के बीच होता है। π/6 जो है वो क्या है, इसके बीच में है। 60 डिग्री क्या है, 90 से छोटा है, इसके बीच में है। बट ये क्या है, ये नहीं है। आप इसको सोल्व करेंगे तो ज़्यादा होगा, क्योंकि देखिए π/4 कितना आएगा, 45 आएगा। 45 × 3 कितना आएगा, 135 आएगा, मतलब इससे बाहर है। तो सीधा लिख सकते हैं कि ऐसा आंसर क्यों गलत है, क्योंकि ये डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। इस इंटरवल में नहीं होने के कारण क्या हुआ, ऐसा आंसर आप नहीं ले सकते हैं। तो फिर एक क्वेश्चन सोल्व कैसे होंगे? ये सब क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते हैं आप। देखिए सोल्यूशन का तरीका क्या है। पहले का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई 4 दिया गया है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन पाई -π/4, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि 4 × 4 -1 3 आ जाएगा ना। अब देखिए इससे क्या होगा, इससे बेनिफिट होगा ना, साइन इनवर्स और साइन ये हो जाएगा क्या, π/4 ये हो जाएगा, क्योंकि आप फार्मूला जानते हैं कि साइन पाई -θ क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इस हिसाब से जो घट रहा है वो यहाँ पे जुट रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे π/4 होता है, क्या होगा, π/4 आ गया है। अब ये जो π/4 क्या है, ये π/4 इस इंटरवल में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा π/4 और यहीं लिख देंगे हम लोग आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 4 है, इसका भी आंसर डायरेक्ट आप लिखेंगे 5 पाई बाई 4, तो गलत हो जाएगा। तो क्यों गलत होगा, क्योंकि देखिए कॉस इनवर्स कॉस एक्स के लिए वैल्यू तो एक्स होता है, लेकिन इस एक्स को 0 से π के बीच होना पड़ता है। 5 पाई बाई 4 इस इंटरवल में नहीं है, ये पाई से ज़्यादा है, इसलिए डायरेक्ट ये आंसर नहीं होगा। अब लिखेंगे क्या हम लोग, सोल्यूशन ऐसे करेंगे, कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 4 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ लिखेंगे कॉस, और देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 4। देखिए थोड़ा समझिए, 4 दूना 8, 8 माइनस 3 5 हो जाएगा ना। अब देखिए क्या होगा, कॉस इनवर्स कॉस ये होगा 3 पाई बाई 4 और यहाँ हो जाएगा आंसर 3 पाई बाई 4, क्योंकि ये जो है ये इस इंटरवल में लाई कर रहा है। अब बात है कि ये कैसे आ गया 3 पाई बाई 4, तो आप एक फार्मूला जानते हैं, कॉस 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो आप समझ रहे हैं बात, यहाँ पे जो थीटा यहाँ पे घट रहा है वहीं लिखाएगा, 3 पाई बाई 4 घट रहा है तो उसको लिख देंगे यहाँ पे। तो ये फार्मूला आप जानते हैं, इसलिए इसका यूज यहाँ कर दिया गया है। तो ये दोनों से क्या होगा, कैंसिल होकर 3 पाई बाई 4 बाहर निकल जाएगा, ये आंसर हो गया। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में भी अगर आप लिखेंगे 17 पाई बाई 6, तो क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स tan x के लिए वैल्यू तो x मिलता है, लेकिन इस x को -π/2 से लेकर +π/2 के बीच होना होता है, जो क्या है नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। इसलिए इसको सोल्यूशन ऐसे करेंगे, सोल्यूशन tan इनवर्स tan 17 पाई बाई 6, इसको लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स tan, और यहाँ समझिए इसको लिख सकते हैं 3 पाई माइनस पाई बाई 6। थोड़ा समझिए 6 त्रिका 18 माइनस 1 17 होगा कि नहीं होगा, इससे फायदा हो जाएगा। देखिए tan इनवर्स और ये हो जाएगा tan, है ना। लेकिन अब देखिए ये कैसे समझेंगे, इसका वैल्यू क्या निकलेगा, थोड़ा समझिए जल्दी से। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पाई की बात है ना, 3 पाई की बात है, तो 1 पाई यहाँ तक, 2 पाई यहाँ तक, और तीसरा पाई क्या है यहाँ तक पहुँच रहा है। और इसमें से क्या हो रहा है, कुछ घट रहा है, मतलब किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये जा रहा है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड में देखिए फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन कॉसेक, थर्ड में tan होता है पॉजिटिव, फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है। तो tan का तो एरिया थर्ड है, ये सेकेंड की बात कर रहा है, सेकेंड में tan क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और क्या हो जाएगा ये तो पाई बाई 6। और हम लोग यहाँ से tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं, और ये दोनों कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 6 आंसर दे देगा। और यही क्या हो जाएगा आपको आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से इस चौथे क्वेश्चन का आंसर बताएं कि आंसर कितना आएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो कम से कम 10 दोस्तों में शेयर जरूर करें, लाइक कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।